फ्रेंड्स नमस्कार, नया NERP में आपका स्वागत है। आज हमको काफ़ी खुशी हो रही है कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर देने जा रहे हैं जो हर तरह से सूटेबल है डेयरी इंडस्ट्री के लिए। और अभी तक हमारे पास मार्केट से डिमांड आ रही थी। अभी हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर था स्मार्ट डेयरी, तो हमने अभी ये ERP सॉफ्टवेयर बना दिया डेयरी के लिए। जो चिलर प्लांट भाई, जिनका चिलर प्लांट वो सब ये मैनेज कर सकते हैं। इसको स्पेशली इसको चिलर प्लांट के लिए डिज़ाइन किया है और ये मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, मतलब किसी भी भाषा में इसको आप चला सकते हैं। फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। सॉफ्टवेयर तो हमारा स्मार्ट एरिया है, वो भी यूनिकोड है, ये भी यूनिकोड है। इसमें ये हमने ERP लेके आए हैं। इसमें आपको सबसे पहले दिखाते हैं, आपको अकाउंट मास्टर जाते हैं आप, जैसे उसमें फार्मर्स के अकाउंट्स बनाते थे, इसी तरह से इसमें भी आप अकाउंट बना पाएंगे। अकाउंट नाम डालना है, उसका रूट डालना है, कौन से रूट का है, और उसका ग्रुप डालना है, किस ग्रुप का है, कलेक्टर है आपका, फार्मर्स है। और सेम सिस्टम बनाया हुआ है हमने, जो स्मार्ट आपका डेयरी का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका, और इसका सेम सिस्टम बनाया हुआ है हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मेंटेन, आपको कमीशन और इसमें दे दिया हमने, और इसमें अकाउंट्स वगैरह रूट वाइज बना सकते हैं आप। अकाउंट बनाने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी सुविधा दे रखी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इससे आप। तो ये नया ERP आपको डेरी मिल्क सॉफ्टवेयर है कंप्लीट। आज हम एक परचेज की एंट्री आपको बताएंगे इसमें नया ERP के अंदर, मिल्क डेरी जो सॉफ्टवेयर है इसमें कैसे कर पाएंगे। आपको सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है, डेट आ जाएगा। डेट में आपको सिर्फ पूछेगा, सॉफ्टवेयर सिर्फ पूछेगा मॉर्निंग में आपको मेंटेन करना है, इवनिंग में मिल्क आ रहा है। यहाँ से आपका रूट पूछेगा, किस रूट से आ रहा है, आपने रूट सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ कलेक्टर पूछेगा और यहाँ पे सिर्फ आपको कोड डालना है, जैसे जो भी हमारा फार्मर्स का कोड होगा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा। कितने लीटर, जैसे 10 लीटर वो लेके आ रहा है। फैट कितनी है उसकी, 7.5 है, 8 है, तो आपने वो डाला। SNF कितना है इसका, को BC पे लेना है, काओ पे लेना है, BC पे आपने इंटर किया तो BC का, ये जिस पे आप लेना चाहें उस पे इसको ले सकते हैं। जैसे सपोज आपने काओ मिल्क पे लिया, इंटर किया, काओ का रेट आ गया। आपने यहाँ से हमने डिवीजन वाइज, क्योंकि चिलर प्लांट में क्या होता है, BLC पे भी रेट आता है और उस पे भी आता है। तो सबसे पहले हम आपको उसकी एक सेटिंग करने बताएंगे। यहाँ से सेटिंग में जाके आप यहाँ से मिल्क रेट सेट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा कम्प्लीटली इसका रेट सेट कर सकते हैं, कितना रेट है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल BC का है, BC का आपको SNF वाइज लेना है, तो यहाँ पे आप अपना अपने अकॉर्डिंग रेट चार्ट यहाँ चढ़ा सकते हैं, किस रेट का क्या वो है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हमें आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी ऑप्शन हमने इसके अंदर दे रखा है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं आप इसको। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा डाटाबेस। और इसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नॉर्मली क्लोज करने के बाद ये यहाँ से आप इसकी मिल्क की प्योरिटी डाल सकते हैं, उसका प्योरिटी परसेंटेज कितना है। यहाँ से SMS सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आपका जनरल सेटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की, आपको फॉर्म लिस्ट वाइज लेना है, कैसे लेना है उसका। तो ये DPU यहाँ पे अपना DPU ऐड कर सकते हैं, मशीनें हमने दे रखी हैं इसमें, ग्लेक्टो, GTEC सभी मेंटेन कर सकते हैं आप इसके अंदर। और यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनका यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका ये सेटिंग ऑप्शन हमने आपको बताया इसके अंदर। सेटिंग करने के बाद इसको आप क्लोज कर देंगे सेटिंग को। आप जैसे परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने न्यू पर क्लिक किया, सेलेक्ट रूट किया, जो भी जिस रूट का है बंदा, आपने वहाँ पे कोड डाला उसका बंदे का, 10 लीटर डाला आपने, 5.6 डाला आपने, यहाँ पे 7.5 डाला आपने, तो यहाँ पे BC का है तो BC का रेट ले लिया आपने। ऑटोमेटिकली देखो इसमें आपका रेट बना दिया, यानी मिल्क का जो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और यहाँ से ऐड कर दिया आपने, तो ये आपके एंट्री शेप्ड हो जाती है इसमें। जैसे एंट्री सेव हो गई आपकी कम्प्लीटली ये सॉफ्टवेयर, इस तरह से आपकी पर्ची भी निकल आएगी उसकी,
कितना दूध था, क्या था, इसको आप किसी भी भाषा में हमसे चेंज करा सकते हैं। जिस भाषा में आपको पर्ची चाहिए हम आपको करके देंगे इसका। ये चिलर प्लांट अब आपको 8 दिन बाद बिल बनाना है उस बंदे का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सिर्फ रूट सिलेक्शन करना है, डेट डालना है, किस डेट को बिल बनाना है। जिस रूट को आप सिलेक्शन करेंगे, कोड सिलेक्शन करेंगे, किस नंबर से किस नंबर तक के बनाने हैं, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो भी इसका सिलेक्शन होगा, 10 दिन का दिया हुआ, ऑनलाइन पोस्टिंग हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सॉफ्टवेयर पर बिल जनरेट कर देगा। यहाँ से बिल जनरेट कर लेते हैं, यहाँ से आपका स्टॉक, अगर आपके पास खल चुनी एक्स्ट्रा है तो इस खल बेचना है, कुछ भी बेचना है, तो यहाँ पे आइटम बने होंगे तो आइटम बेच सकते हैं आप। क्योंकि डेयरी फार्म पे क्या है, हम लोगों को सब कुछ देना पड़ता है, हम लोगों को फार्मरों को, उनके पास कुछ होता नहीं। यहाँ से बैंकिंग मेंटेन कर लेंगे, आप किस बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसको चेक दिया है, किसको नहीं दिया है। यहाँ से आप रिसीप्ट, किसी से पैसा उनसे पैसा ले रहे हैं तो यहाँ कैशबुक मेंटेन कर लेंगे। और यहाँ से सेल, यानी आपको सेलर बिल भी बना सकते हो आप, जैसे आपका माल ट्रक जा रहा है तो ट्रक में आप कितना लीटर भेज रहे हो। यहाँ से हमने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्लांट इन, सेल इन, प्लांट आउट, कंटिन्यूस, आपका कंटिन्यूस आप बिलिंग एक साथ बनानी है आपको, तो एक साथ इसमें ओके करेंगे आप, एक साथ बिल बन जाएंगे जिस रूट के बिल बनाने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली देखो इस तरह से आपका बिल जनरेट हो जाते हैं। यहाँ से जनरेट कर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, पोस्टिंग कर देगा, जिस तारीख से जिस तारीख का आपको बिल पोस्ट करना है, आपको स्नैप शो कराना है या नहीं कराना है, आपको प्रीव्यू देखना है या नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको चाहिए या पोस्ट फॉर बिल एंट्री नहीं भेजना है, तो ये आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नया ERP आपको ऑटोमेटिकली ये बिल फीचर्स देता है, तो ऑटोमेटिकली बिल जनरेट आपकी हो जाती है। स्मार्ट डेयरी आ गया, बिल जनरेट हो गया, कितने रुपए का हुआ, उसका ओल्ड पेमेंट क्या है, स्टॉक है आपका, आप करेंट ओल्ड बैलेंस क्या है, नेट बैलेंस, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये हमने 1 सेकंड में बिल जनरेट कर दिया। तो इस दोस्तों नया ERP को आप एक बार यूज करिए, इसका डेमो वर्जन बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपको अगर ये अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर तो इसका लाइसेंस वर्जन भी आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों चिलर के लिए हमने डेयरियों के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको एक ही स्टेज पे सब कुछ मिल सके। आपको रेट का भी झंझट खत्म कर दिया, अब तो रेट का सिंगल क्लिक पे आप रेट, मिल्क रेट आप लिस्ट अपने अकॉर्डिंग, BLC का रेट अलग होता है, काऊ का रेट अलग होता है, तो हमने ये आपको डिफाइन कर दिया है। आपको CLR वाइज चाहिए, SNF वाइज चाहिए, तो पहले ये नहीं था हमारे सॉफ्टवेयर में, लेकिन अब हमने ये आपका ऑन बेसिक किस पे लेना है, आपको SNF पे लेना है या CLR पे लेना है, तो अपना चार्ट ऑटोमेटिकली आप इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं दोस्तों। और विद इन क्लिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमने फीचर्स दे रखा है, यहाँ से सेटिंग देख रखा है फैट SNF की क्या सेटिंग है, कितने से स्टार्ट होना चाहिए फैट, कितने से SNF स्टार्ट होना चाहिए, CLR का क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सॉफ्टवेयर जरूर लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो इसके नए ERP के आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।